नमस्कार दोस्तों, लैपी केयर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डेस्कटॉप में वीआरएम सर्किट। वीआरएम सर्किट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है। वीआरएम का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, इसे कोर वोल्टेज भी कहा जाता है। वीआरएम सर्किट का जो मेन काम है वो है सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज जनरेट करना। कोर वोल्टेज मतलब जिसमें वोल्टेज कम होता है और एम्पियर ज़्यादा होता है। हमारे एसएमपीएस से जो भी वोल्टेज निकलते हैं 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, लेकिन सीपीयू के लिए अलग वोल्टेज चाहिए होता है, जिसे कहते हैं कोर वोल्टेज। कोर वोल्टेज का ये वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज, लेकिन इसका एम्पियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि 45 एम्पियर के आसपास होता है। सीपीयू के हिसाब से ये अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा जो 5 वोल्ट 12 वोल्ट किस तरह हमारे 45 एम्पियर और 8.1 वोल्ट में बदलता है, जो कि वीआरएम सर्किट का काम है। वीआरएम सर्किट का जो मेन काम है वो है हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ, और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी सिग्नल है उनको एम्पलीफाई करना या एम्पलीफिकेशन, जो भी वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई करके कोर वोल्टेज बनाने का काम हमारा वीआरएम सर्किट करता है। तो वीआरएम सर्किट में जो जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब जैसे कि कैपेसिटर, कॉइल, मॉसफेट और आईसी, तो हमें इसमें स्विचिंग के लिए हम मॉसफेट यूज़ करते हैं, जो कि डेस्कटॉप में एन चैनल मॉसफेट होते हैं और लैपटॉप में एन और पी कोई भी मॉसफेट हो सकते हैं। तो डेस्कटॉप में आज हम डेस्कटॉप के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे सभी जो मॉसफेट होंगे वो एन चैनल मॉसफेट होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये वीआरएम सर्किट किस तरह काम करता है। हमने प्रैक्टिकल सेशन में देखा था वीआरएम सर्किट की ट्रेसिंग, आज हम देखेंगे वीआरएम सर्किट के थ्योरी। तो वीआरएम सर्किट में जो कॉइल होते हैं या कैपेसिटर होते हैं उनका काम होता है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को इलिमिनेट करना और ग्राउंड करना। कॉइल जो होता है वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को इलिमिनेट करता है या निकाल देता है, फिल्टर करता है। कैपेसिटर होता है जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देता है। तो जो हमारा वीआरएम सर्किट होता है तो इस तरह होता है। जो हमारा ATX मतलब SMPS का जो 4 पिन वाला सॉकेट होता है इस तरह का, वहाँ से सीपीयू के लिए 12 वोल्टेज अलग से जनरेट होता है। यहाँ पे एक लॉक होता है, तो वहाँ उस लॉक के पास में ये जो 12 वोल्ट का ये होता है वो, और दूसरा पिन होता है ग्राउंड, जो होता है ग्राउंड होता है। वहाँ से आगे के एक कॉइल दिया जाता है और बाद में बहुत सारे कैपेसिटर दिए जाते हैं। कैपेसिटर और कॉइल का काम होता है अनवांटेड जो भी इनपुट में अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आई है उनको निकालने का। उसके बाद मॉसफेट दिया होता है जो कि स्विचिंग का काम करता है। तो जो वहाँ से आगे दो मॉसफेट लगे होते जिनको हम कहते TG टॉप गेट और BG बॉटम गेट। इस मॉसफेट का काम होता है स्विचिंग करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि वीआरएम सर्किट में की जाती है। ये होता है एन चैनल मॉसफेट जिसको हम कहते TG, जिसके ड्रेन पे ये जो होता है ये ड्रेन, ये सोर्स सॉरी गेट, और ये होता है सोर्स। जिसके ड्रेन पे सप्लाई आता है वो होता है TG मॉसफेट या टॉप गेट या मेन मॉसफेट भी कहते हैं इसको। और जो हमारा सीपीयू के लिए वोल्टेज चाहिए वो खुद सीपीयू ही बताता है कि मुझे कितना वोल्टेज हुआ, कितना एम्पियर चाहिए। उसके लिए एक आईसी होती है जिसे कहते हैं वीआरएम आईसी, जो कि सीपीयू से ये स्विचिंग के लिए
कितना वोल्टेज आउटपुट करना है ये बताती है। तो जो हमारा ये सीपीयू होता है ये खुद बताता है कि कितना एम्पियर कितना वोल्टेज चाहिए। तो ये जो वीआरएम आईसी है उसमें तीन प्रकार के कॉम ये तीन प्रकार से बनती है, जिसमें एक होता है वोल्टेज सेंस, ये होता है वोल्ट, यहाँ पे एक होता है वोल्ट सेंस, वोल्ट सेंस जो हमारे एसएमपीएस से जो सप्लाई आता है वो यहाँ से सेंस किया जाता है। दूसरा होता है ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है, जो कि स्विचिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऑसिलेटर हमारा गेट को स्विचिंग करता है या ऑन ऑफ करता रहता है, जिससे जो जो भी फ्रीक्वेंसी जो भी एम्पियर या वोल्टेज चाहिए उससे जनरेट होता है। और उसके बाद तीसरा होता है 5 बिट प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर है वहाँ पे सीपीयू 5 बिट प्रोग्राम, ये होता है 5 बिट प्रोग्रामर। ये सीपीयू इस 5 बिट प्रोग्रामर को सिग्नल भेजता है, वीआईडी सिग्नल, जिसे कहते हैं वीआईडी सिग्नल, वीआईडी 0, वीआईडी 1, ऐसे इस तरह 2, 3 और 4। ये वीआईडी सिग्नल सीपीयू वीआईडी सिग्नल 5 बिट प्रोग्रामर को भेजता है, जिसके हिसाब से वीआरएम चिप ऑसिलेटर को बताती है कि किस कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर जनरेट करना है। तो ये उसी हिसाब से ऑसिलेटर यहाँ पे इस टीजी मॉस्फेट के गेट पे स्विचिंग करता है या ऑन ऑफ करता है, इस तरह इस मॉस्फेट को ऑन ऑफ करता रहता है। और यहाँ से जो सोर्स से है जो आउटपुट, यहाँ से इनपुट आता है और सोर्स से आउटपुट होता है। आउटपुट में भी कई सारे कॉइल और कैपेसिटर लगे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को इलिमिनेट करते हैं। अगर इनपुट में फ्रीक्वेंसी है तो ये इनपुट के कैपेसिटर या और कॉइल इसको इलिमिनेट करेगी या निकाल देगी, और जो आउटपुट में अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या जो भी आता है वो आउटपुट के कैपेसिटर और कॉइल इसको निकाल देंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होता है तो उसका क्या करेंगे? तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज निकलता है उसे ग्राउंड करना होता है। इसलिए यहाँ पे एक और मॉस्फेट दिया जाता है जिसे कहते हैं बीजी मॉस्फेट, जो कि निगेटिव स्विचिंग का काम करता है, और टीजी मॉस्फेट होता है वो पॉजिटिव स्विचिंग का काम करता है। और इसका जो सोर्स होता है वो ग्राउंड किया जाता है, ग्राउंड। और जो इसका गेट होता है वो भी ऑसिलेटर से कनेक्टेड होता है और वो भी स्विचिंग करता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव स्विचिंग होगी तो यहाँ पे निगेटिव स्विचिंग होगी। इस तरह जब ये टीजी मॉस्फेट ऑन होगा तो ये बीजी मॉस्फेट ऑफ होगा, और जब बीजी मॉस्फेट और टीजी मॉस्फेट ऑफ होगा तो बीजी मॉस्फेट ऑन हो जाएगा। इस तरह ये स्विचिंग की जाती है। और इसके सोर्स से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है वो ग्राउंड किया जाता है बीजी के सोर्स से ग्राउंड किया जाता है। तो ये था हमारा बेसिक वीआरएम सर्किट। और इसी तरह यहाँ पे जो नंबर्स जो टीजी मॉस्फेट और बीजी मॉस्फेट के अलग अलग नंबर और कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे वीआरएम सर्किट बनता है। यहाँ पे तो हमने दो ही दिखाए, लेकिन हम आगे देखेंगे किस तरह के और क्या क्या कॉम्बिनेशन या अलग अलग प्रकार के वीआरएम सर्किट हो सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं। कई बार बोर्ड में एक टीजी और एक बीजी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, मतलब एक टीजी के लिए एक बीजी या टॉप गेट बॉटम गेट जो भी हम कहें, यहाँ पे हम टीजी और बीजी कहेंगे। तो जो हमारा एटीएक्स है, वहाँ से जो सप्लाई आता है वो आता है एक टीजी मॉस्फेट पे कॉइल से होके, कैपेसिटर से होके, टीजी मॉस्फेट पे आता है। मतलब कितनी भी टीजी मॉस्फेट हो सकते हैं, कितनी भी बीजी मॉस्फेट होते हैं, इन सब का जो सोर्स होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है और बहुत सारे कैपेसिटर कॉइल रास्ते में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कैपेसिटर होगा या एक ही कॉइल होगा। और एक टीजी के लिए एक बीजी मॉस्फेट भी दिया जाता है, हर एक टीजी के लिए हर एक बीजी मॉस्फेट दिया जाता है, ऐसा सर्किट होता है। या फिर कई बार एक टीजी के लिए दो बीजी मॉस्फेट दिए जाते हैं। इसका सोर्स होता है यहाँ पे बीजी मॉस्फेट के गेट पे आता है, और इनका जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है, जैसे कि हमने सर्किट में देखा है। और इनका जो गेट है सभी टीजी और बीजी मॉस्फेट का एक वीआरएम आईसी के से जुड़ा होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये वीआरएम आईसी का, ये वीआरएम आईसी को जाता है, ये भी इसका गेट भी वीआरएम आईसी के आईसी से जुड़ा होता है। और जो ये जो आउटपुट है जो टीजी मॉस्फेट के सोर्स से निकलता है वो आता है सीपीयू को, जो कि कॉइल और कैपेसिटर से फिल्टर होके यहाँ पे कॉइल, बहुत सारी कॉइल होती है आउटपुट में, और कैपेसिटर भी लगे होते हैं बहुत सारे। और ये जो जाता है सीपीयू को, और ये जाता है हमारे सीपीयू को कोर वोल्टेज। इस तरह जो हमारा जो वीआरएम सर्किट है इस तरह दिया जाता है। और कई बार एक टीजी और दो बीजी का भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हमारा ये जो इनपुट है, यहाँ से इनपुट आएगा, कॉइल होगा, कैपेसिटर्स होंगे बहुत सारे, इनपुट कैपेसिटर, इनपुट कॉइल, वह उससे एक टीजी और दो बीजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका सोर्स पे आएगा, इसके सोर्स पे आएगा इनपुट। और यहाँ पे क्या होता है, एक टीजी के लिए दो बीजी मॉस्फेट दिए जाते हैं, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। और इनका जो गेट है आपस में कनेक्टेड होता है, और ये टीजी मॉस्फेट के सोर्स पे जाता है। इसी तरह इस टीजी मॉस्फेट के लिए भी दो बीजी मॉस्फेट दिए जाते हैं।
और इनका सोर्स भी आपस में कनेक्टेड होगा और इन इसके सॉरी इनका ड्रेन आपस में कनेक्टेड होगा और इसके सोर्स से सप्लाई बीजी के ड्रेन पे आएगा। और जैसे कि पता है बीजी का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है और इनका जो जो भी गेट है सभी का ये VRMIC से कनेक्टेड होगा। तो ये जो हमारा गेट है TG का वो इस तरह VRMIC से मिल जाएगा। और ये जो सॉरी ये जो होता है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं गेट इस तरह, ये जो दोनों गेट है आपस में कनेक्टेड होंगे और ये गेट IC को कनेक्टेड होगा। जिस तरह ये ड्रेन आपस में कनेक्टेड होते उसी तरह ये गेट भी आपस में कनेक्टेड होंगे, जो कनेक्टेड होंगे और VRMIC को जाएंगे। और जो VRMIC से जो भी यहाँ से जो सोर्स से आउटपुट होगा जो कि कोर वोल्टेज है हमारा वो आएगा CPU के लिए, कॉइल से होके कैपेसिटर बहुत सारे आउटपुट कैपेसिटर यहाँ पे भी जो आएगा कैपेसिटर से होते हुए और ये जाएगा CPU को जो कि हमारा कोर वोल्टेज होता है। इस तरह अलग अलग सर्किट दिए जाते हैं, एक TG एक BG एक TG दो BG या फिर ये जो 3 लेग वाला MOSFET है उसकी जगह 8 लेग वाला भी MOSFET दिया जा सकता है, जो कि डेस्कटॉप में तो ज़्यादातर नहीं होता लेकिन लैपटॉप में यही सर्किट लेकिन 8 लेग वाला MOSFET दिया जाता है। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं इस पर। तो इस तरह हमारे ये जो VRM सर्किट है इस तरह का होता है। अगर VRM सर्किट में प्रॉब्लम आ जाता है तो CPU में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि पहले तो नो डिस्प्ले, पहला केस होता है सॉरी नो डिस्प्ले। अगर या दूसरा रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है रिस्टार्टिंग का, तीसरा प्रॉब्लम होता है हैंगिंग प्रॉब्लम, हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, हमारा सिस्टम ऑन होते ही हैंग हो जाता है या थोड़ी देर बाद हैंग हो जाता है, थोड़ी देर बाद रिस्टार्ट होता है। इस तरह के प्रॉब्लम जब VRM सर्किट में कोई कैपेसिटर या कॉइल कॉइल तो ज़्यादातर खराब नहीं होते लेकिन जो MOSFET और कॉइल कैपेसिटर है वो खराब होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर फूल जाते हैं, इसलिए हमारे VRM सर्किट काम नहीं करता और ये जो प्रॉब्लम है इस तरह आते हैं। अगर हमें कैसे पता चलेगा VRM सर्किट खराब है, जो हमारा जो CPU होता है वो और ये एक प्रॉब्लम आता है OS लोड नहीं होता, OS नॉट लोड, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लोड नहीं होता, जैसे वेलकम आता है तो उसके आगे जाता नहीं, हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता उसके आगे जाता नहीं, ये प्रॉब्लम भी VRM सर्किट में आने से होता है। अबे हम कैसे पता चलेगा कि VRM सर्किट में ही प्रॉब्लम है, तो हमें देखना है कि हमारा जो CPU है वो हीट हो रहा है कि नहीं। अगर CPU को कोर वोल्टेज नहीं मिला तो CPU काम करना चालू नहीं करेगा, इससे वो CPU हीट नहीं होगा। हमारा CPU हीट होना चाहिए, थोड़ी देर बाद 4-5 सेकंड के बाद हमारा CPU जो है हीट होना चाहिए, अगर हीट नहीं हो रहा है तो हमारा VRM सर्किट फॉल्टी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर हमारे
टारगेट होते हैं जो कि कैपेसिटर फुल जाते हैं, या इसलिए जो कि प्रॉपर कोर वोल्टेज जनरेट नहीं होता तो हमारा वीआरएम सर्किट काम नहीं करता। इस तरह हमने देखा किस तरह हमारे वीआरएम सर्किट काम करता है, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, हमने हमने प्रैक्टिकल सेशन में भी देखा, और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो भी हमने देख लिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ गए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद मित्रों।